First of all, we can discuss about the nature of the solution, like as solution chapter. In this chapter, we are going to discuss about the solution, basic terms of the solution. Like as we can say, component solute plus solvent forms solution. यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सॉल्यूशन के चैप्टर की, जो चैप्टर नंबर हमारा सेकंड है. अगर इस सॉल्यूशन चैप्टर को देखा जाए तो इसकी जो जनरल टर्म्स है उनको देखेंगे कि जो सॉल्यूशन टर्म्स है उसको अगर बात करें कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, इन दोनों से सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हुआ. तो सॉल्यूशन है क्या बेसिकली? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है. सॉल्यूशन क्या है हमारे पास? एक होमोजीनियस मिक्सचर है. तो वी कैन से सॉल्यूशन है क्या? सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर. सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होगा जिसके अंदर दो कंपोनेंट होंगे, एक सॉल्यूट होगा एक सॉल्वेंट होगा. अब इन टर्म्स को समझते हैं. सॉल्यूट का मतलब क्या है, सॉल्वेंट का मतलब क्या है? देखिए सॉल्यूट बिल्कुल एक छोटा सा टर्म्स है सॉल्यूट. तो कह सकते हैं कि सॉल्यूट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट, विच इज प्रेजेंट इन द स्मॉलर अमाउंट. बात करेंगे आगे क्या मतलब है इन स्मॉल अमाउंट का. सॉल्वेंट इट्स ए पार्ट ऑफ सॉल्यूशन विच इज प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, देखिए मेरे पास कोई भी सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन के अंदर मैं सबसे पहले दो कंपोनेंट को लेके चल रहा हूं. अगर उन दोनों कंपोनेंट्स में जिसमें सॉल्यूट की अमाउंट कम है सॉल्वेंट की अमाउंट ज्यादा है, तो यहां से हम डिफाइन तो कर सकते हैं कि सॉल्यूट कौन सा हुआ और सॉल्वेंट कौन सा हुआ. लेकिन इस बात को इस तरह से बोला जा सकता है क्या कि सॉल्यूट वो कंपोनेंट होगा जो डिजोल्व हो जाता है, जिसमें डिजोल्व हो जाता है वो आपका सॉल्वेंट होगा. विच कैन डिजोल्व दैट इज नोन एज सॉल्यूट. इन विच डिजोल्यूशन टेक्स प्लेस जिसमें डिजोल्व होगा दैट इज नोन एज सॉल्वेंट. लेकिन जहां पे टर्म्स आपको दिखाई दे रही है कि मैं ऐसे लिख चुका प्रेजेंट इन स्मॉलर अमाउंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट. देखिए इस अमाउंट का क्या मीनिंग है? इस अमाउंट का बेसिकली मीनिंग हो गया इन टर्म्स ऑफ मोल्स. हम उस अमाउंट से अंदाजा नहीं लगा सकते कि अमाउंट ग्राम्स में आपको दे दी तो बता सकते हो कि सॉल्यूट कौन सा होगा सॉल्वेंट कौन सा होगा. हम ये किस में लेके चल रहे हैं? ये नंबर ऑफ मोल्स में लेके चल रहे हैं. एग्जाम्पल लेके चलते हैं. देखिए 180 ग्राम आपको यूरिया दे दिया गया और 90 ग्राम आपको वाटर दे दिया गया. ठीक है, 90 ग्राम आपको क्या दे दिया गया? वाटर. तो इसमें आप लोग नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करके देखिए. सबसे पहले मोल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास यूरिया का 60 हुआ. दैट इज कंटेन कितना नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए? 3. यहां पे नंबर ऑफ मोल्स चेक कर लेते हैं. 90 ग्राम वाटर है मेरे पास, मॉलिक्यूलर मास कितना 80, कितने नंबर ऑफ मोल्स आ गए? 5 मोल. नाउ वी कैन से वाटर कंसीडर्ड एज सॉल्वेंट. यानी कि ये जो कंपोनेंट मैंने लिखे इनमें से आप लोग ये फाइंड आउट कर सकते हो सॉल्यूट कौन सा है सॉल्वेंट कौन सा है. तो हमने कहा कि जो अमाउंट कम होगी जो अमाउंट ज्यादा होगी उसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे, लेकिन इन टर्म्स ऑफ देखिए नंबर ऑफ मोल्स. अगर कंपोनेंट बदल दूं, एग्जांपल या अगर दो कंपोनेंट के अलावा मैं 3 कंपोनेंट्स का एग्जांपल लेता हूं, 3 कंपोनेंट्स लाइक एज 300 ग्राम
यूरिया ले लिया, दूसरा कंपोनेंट सुक्रोज, सुक्रोज की जो अमाउंट है 384 ग्राम प्लस, इसके अलावा वाटर के अंदर मिक्स कर लिया 90 ग्राम वाटर, ठीक है, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेता हूं 684 ग्राम, ये मैंने क्या ले लिया वाटर ले लिया। थ्री कंपोनेंट्स के अंदर यूरिया है 684 ग्राम, सुक्रोज है 90 ग्राम, वाटर है, तो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू मोल्स, जिसके मोल्स लार्जर आएंगे वो क्या होगा हमारा सॉल्वेंट होगा, वो हमारा क्या बनेगा सॉल्वेंट बनेगा। आप लोग चेक करके मुझे आंसर भी रिप्लाई करेंगे कि कौन सा आपका सॉल्वेंट बनने वाला है, इसी में आगे चलता हूं। अगर हमें ये पता चल जाए सॉल्यूट कौन सा है और सॉल्वेंट कौन सा है, तो इसके बाद हम उन कंपोनेंट्स की बात कर सकते हैं। देखिए अगर मेरे पास सॉल्यूट एक है, सॉल्वेंट भी एक है, तो ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोला जाएगा, ऐसे सॉल्यूशंस को क्या बोला जाएगा बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। अगर एक सॉल्यूट है एक ही सॉल्वेंट है तो ऐसे सॉल्यूशंस को बोला जाता है बाइनरी सॉल्यूशन। अगर यहां पे मैं सॉल्यूट दो, जैसे आपको एग्जांपल दे दिया गया लाइक दो सॉल्यूट मैंने ले लिए, दो सॉल्यूट ले लिए, बट सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा, बट सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा, ध्यान रखेंगे, तो ऐसे सॉल्यूशन को टर्नरी सॉल्यूशन बोला जाता है, क्या बोला जाएगा टर्नरी सॉल्यूशन। ऐसे अगर सॉल्वेंट सॉल्यूट मेरे पास तीन है, एक सॉल्वेंट होगा तो उसको बोला जाता है क्वार्टरनरी सॉल्यूशन, क्वार्टरनरी सॉल्यूशंस। तो इसलिए बाइनरी टर्नरी क्वार्टरनरी सॉल्यूशंस एक टाइप हो गई सॉल्यूशंस की। इनमें छोटी सी बात हमें ध्यान में रखनी है, सॉल्वेंट हमेशा एक ही होगा जिसके अंदर डिजोल्यूशन होगा, द कंपोनेंट इन विच डिजोल्यूशन टेक्स प्लेस दैट इज नोन एज सॉल्वेंट। देखिए बेसिक टर्म्स थी जो मैंने आपसे डिस्कस किया सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में, इसके बाद जो हमारा वीडियो लेक्चर बनेगा वो बनेगा आपका कंसंट्रेशन टर्म्स पे, ठीक है, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल है इस सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको कंसंट्रेशन टर्म्स मिलेंगे, ठीक है, थैंक यू।